हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 से 15,000 रुपये में किस विधि से लेंस डाले जाते हैं और किस क्वालिटी के लेंस डाले जाते हैं, इन दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस विधि से डाले जाते हैं और उस विधि में क्या क्या कमियाँ होती हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, 10 से 15,000 के जो रेंज होते हैं लेंस डालने के, उसमें चीरा विधि से लेंस डाला जाता है, यानी कि SICS स्मॉल इंसीजन कैटरेक्ट सर्जरी के माध्यम से लेंस इम्प्लांट किया जाता है। जो हमारा क्रिस्टलाइन नेचुरल लेंस होता है, मोतियाबिंद होने पर उसे निकालने के लिए बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, यानी कि 4 से 6 mm का चीरा लगाना पड़ता है, क्योंकि उस लेंस को पूरा का पूरा निकालना पड़ता है और दूसरा लेंस इम्प्लांट करने के लिए उसी होल के माध्यम से इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, चीरा बड़ा होने की वजह से घाव जो होते हैं, जो चीरा लगाया जाता है, इंसीजन किया जाता है, उसको हील होने में ज़्यादा समय लेता है अन्य सर्जरी की अपेक्षा। जैसे कि फेको या लेजर कैटरेक्ट सर्जरी जल्दी हील हो जाती है, SICS लगभग 20 से 30 दिन लग जाते हैं उसको पूरी तरह से हील होने में, सिक्योर होने में। दोस्तों, चीरा विधि से यदि आपका ऑपरेशन हो रहा है तो एक दिन के लिए पट्टी भी लगाई जाती है, यानी कि आज आपका ऑपरेशन होगा और दूसरे दिन आपको सुबह बुलाया जाता है, उस पट्टी को हटा दिया जाता है और काला चश्मा 1 महीने के लिए दे दिया जाता है। उसके बाद आपका रिफ्रैक्शन करके नॉर्मल चश्मा चेक करके दे दिया जाता है, या चीरा विधि में यानी कि SICS विधि के माध्यम में इस प्रकार का किया जाता है। चीरा विधि से दोनों टाइप के लेंस इम्प्लांट किए जा सकते हैं। तो ये था सर्जरी के बारे में। अब बात करते हैं लेंस की क्वालिटी के बारे में कि 10 से 15,000 में किस क्वालिटी का लेंस आपको इम्प्लांट किया जाता है। दोस्तों, 10 से 15,000 में जनरली सबसे लो क्वालिटी के लेंस इम्प्लांट किए जाते हैं या डाले जाते हैं। जैसे कि सबसे लो क्वालिटी के जो लेंस होते हैं, पामा मटेरियल से बने होते हैं, यानी कि पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट के सब्सटेंस होते हैं। पामा लेंस दोस्तों हार्ड होते हैं और यह इसीलिए इसको चीरा विधि से इम्प्लांट करना पड़ता है, क्योंकि यह ज़्यादा एरिया को कवर करके अंदर एंटर किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, पामा लेंस हार्ड होने की वजह से जो हमारा कैप्सूल होता है, क्रिस्टलाइन लेंस का कैप्सूल होता है, उसमें अच्छी तरह से पकड़ने में भी टाइम लेता है, यानी कि चिपकने में समय लेता है। जो इस लेंस का हैपिक होता है, वह अच्छी तरह से उस कैप्सूल में पकड़ने में समय लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो लो क्वालिटी के लेंस होते हैं, उसमें झिल्ली बनने के भी चांस रहते हैं, यानी कि मोतियाबिंद ऑपरेशन आपका हो गया है, आज हुआ है या कल हुआ है या कभी भी आपका हुआ हो, उसके बाद में आपको 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने 10 महीने या 2 साल 4 साल में झिल्ली आने की भी संभावना बनी रहती है, यानी कि PCO बन जाता है, पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट बन जाता है। तो ऐसे में फिर से वापस रोशनी कम होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, पामा क्वालिटी के लेंस जो होते हैं, वह मोनोफोकल में ही आते हैं। मोनोफोकल यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उसको जाकर के आप देख लीजिए, ताकि और अच्छे से समझ में आए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और सर्जरी की कितनी विधियाँ होती हैं, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा इस वीडियो को देखने में। मोनोफोकल में दोस्तों, जैसा कि कैटरेक्ट के केस में दूर की रोशनी ख़राब होती है, पास की अच्छी रहती है, तो ऐसी स्थिति में मोनोफोकल लेंस की क्वालिटी क्या होगी कि दूर का विज़न आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन पढ़ने लिखने चावल दाल साफ़ करने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो यह लेंस दोस्तों भारत में इसलिए भी ज़्यादा उपयोगी माने गए हैं, या इसलिए भी इसकी ज़्यादा मांग है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भारत में ज़्यादा है। क्यों इसकी ज़रूरत ज़्यादा है? क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, लगभग 70 से 80% लोग मीडियम वर्ग या उससे लोअर वर्ग से आते हैं। तो यह लेंस काफ़ी सस्ते होते हैं, यानी कि 10 से 15,000 में भी इम्प्लांट कर दिए जाते हैं और व्यक्ति को रोशनी मिल जाती है। तो इसमें जो मीडियम वर्ग का व्यक्ति होता है या गरीब परिवार का व्यक्ति होता है, उसे एफर्ड करने में इसको आसानी होती है, इसलिए भी इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। जो अच्छी क्वालिटी के लेंस होते हैं या महंगे लेंस जो होते हैं, वह फेको विधि या लेजर विधि से इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे लेंस जो है सिटी में ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि मोनोफोकल लेंस काफ़ी सस्ते होते हैं और हाई क्वालिटी के लेंस काफ़ी महंगे होते हैं, यानी कि मोनोफोकल लेंस से 10 से 15 गुना महंगे होने की वजह से मीडियम वर्ग के लोग और गरीब परिवार के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
जिससे वो कभी कभी अंधता के भी शिकार हो जाते हैं। जब उनकी सर्जरी नहीं हो पाती है तो रोशनी जाने का भी खतरा बना रहता है, इसलिए सस्ते क्वालिटी के जो लेंस होते हैं वो पड़ जाते हैं। कुछ हद तक रोशनी व्यक्ति को मिल जाती है और उसका जीवन यापन चलता रहता है। दोस्तों, मोनोफोकल लेंस भारत में 90 से 95% इम्प्लांट किए जाते हैं। इसके पीछे दो मुख्य वजह होती है, एक तो व्यक्ति की ज़रूरत, यानी कि व्यक्ति की मीडियम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों को इसकी ही ज़रूरत है, क्योंकि उसे न तो इंटरमीडिएट का वर्क करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, न पढ़ने लिखने का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। जिस किसी को गांव के क्षेत्र में भी अच्छे लोग होते हैं या VIP लोग होते हैं तो वो लोग अच्छी क्वालिटी का लेंस डलवा लेते हैं, लेकिन जो मीडियम या गरीब परिवार का है व्यक्ति है उसे लोअर क्वालिटी का ही लेंस एफोर्डेबल होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से भी इस लेंस की जो मांग है 95% तक बढ़ जाती है, क्योंकि जो किसान भाई हैं या गृहिणी हैं जिनको नज़दीक का काम नहीं करना है विशेषकर, तो जिस किसी को भी करना है तो उस वह पढ़ने लिखने के लिए चावल ला साफ करने के लिए चश्मा लगा लेते हैं, 2-4 घंटे में उनका काम हो जाता है। तो ऐसा करने से यदि लोगों का पैसा बच जा रहा है, अगर महंगे लेंस का चुनाव करेंगे तो क्वालिटी तो हालांकि अच्छी होती है, रोशनी अच्छी मिलती है हाई क्वालिटी के लेंस में, लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है तो गरीब परिवार के लोग इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो दो मुख्य वजह होती हैं इसके, एक पहला तो ये कि ज़रूरत और दूसरा पैसे की समस्या। पैसा सबसे ज़्यादा मायने रखता है, लोग पैसे की वजह से लेंस यदि आपको 10,000, 15,000, 20,000 बता रहे हैं तो जिसके पास मजबूरी है या दिक्कत है वह जितनी उसकी कैपेबिलिटी है या जितनी उसकी क्षमता है उसी लेंस का चुनाव व्यक्ति करता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आँख से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।